नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BLDC सीलिंग फैन के बारे में चर्चा करेंगे। BLDC सीलिंग फैन का कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में ही बात करेंगे। BLDC सीलिंग फैन का एडवांटेज क्या है इसको देखेंगे तथा BLDC सीलिंग फैन लगाकर बिजली बिल में कितने रुपए तक की बचत की जा सकती है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखेंगे हम। BLDC सीलिंग फैन लगाने से बिजली बिल में हमारा मंथली अथवा ईयरली कितने रुपए की बचत होती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। BLDC स्टैंड्स फॉर ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। क्योंकि जो हम घरों में रेगुलर जो फैन हम यूज करते हैं, नॉर्मल सीलिंग फैन, उसमें क्या होता है, सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो रेगुलर फैन यूज करते हैं उसमें हमारा सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर का यूज होता है, जबकि BLDC सीलिंग फैन में DC मोटर का प्रयोग किया जाता है। BLDC सीलिंग फैन में DC मोटर का प्रयोग होता है तथा यह DC मोटर ब्रशलेस होती है, इसलिए इसको BLDC सीलिंग फैन बोलते हैं। जैसा कि लगभग सभी के घरों में पहले ये पुराने बल्बों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल सभी के घरों में यह पुराना बल्ब हटाकर LED लगा दिया गया है, LED बल्ब। इसका एडवांटेज ये है कि ये कम पावर कंजप्शन करता है तथा ज्यादा प्रकाश देता है हमको। पुराने बल्ब जो होते थे उसमें पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होता था, इसकी वजह से इसको अभी हटा के लगभग सभी के घरों में LED बल्ब आ गया है। उसी प्रकार आने वाले दिनों में जो भी हमारा ये नॉर्मल सीलिंग फैन जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, इसको हटा के सबके घरों में ही BLDC सीलिंग फैन आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि BLDC सीलिंग फैन में पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है, लगभग 50% कम होता है। जैसा कि नॉर्मल रेटिंग का जो फैन आता है हमारा, वो 70 से 80 वाट के बीच में आता है। नॉर्मल सीलिंग फैन जो हम लोग यूज करते हैं AC सिंगल फैन इंडक्शन मोटर वाला, वो 70 से 80 वाट के बीच में आता है। और जो BLDC सीलिंग फैन है वो आजकल मार्केट में 30 से 35 वाट रेटिंग के बीच में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर कंजप्शन बहुत ही कम हो गया, लगभग 50% हो जा रहा है आधा। तो आने वाले दिनों में लगभग सभी के घरों में हमको लगता है कि BLDC सीलिंग फैन ही यूज होगा, क्योंकि इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। क्योंकि इसकी इनिशियल कास्ट अभी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत सारे लोग इसको अभी प्रीफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद इसका कास्ट कम हो। आइए अब देखते हैं BLDC सीलिंग फैन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। BLDC सीलिंग फैन का ये कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, ये मोटर केस है, मोटर का आउटर सरफेस है, और ये इसका रोटर है। ये जो देख रहे हैं ये BLDC सीलिंग फैन का रोटर है। इसके रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स लगे रहते हैं। BLDC सीलिंग फैन के रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स लगे रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये सब परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, अस्थाई चुंबक। तथा जो इसका स्टेटर वाइंडिंग है, इसमें देखिए यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग की हुई है, एक सिंगल वाइंडिंग है, तथा इस वाइंडिंग की सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रहता है उसके थ्रू दी जाती है, इसको BLDC ड्राइव बोलते हैं, उसके थ्रू इसको सप्लाई दी जाती है, DC सप्लाई। तो ये जो हमारा रेगुलर जो कन्वेंशन फैन यूज करते हैं सिंगल फेज AC इंडक्शन मोटर, उससे कैसे भिन्न है आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सिंगल फेज AC इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं घरों में, उसमें दो वाइंडिंग रहती है, एक रहता है हमारा मेन वाइंडिंग तथा ये दूसरा वाइंडिंग हमारा जो रहता है ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मेन वाइंडिंग है तथा ये दूसरा वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो जो सिंगल फेज AC इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग अथवा ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको बोलते हैं। तथा इसके रोटर में कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, इसके रोटर में रोटर बार्स रहते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्शन में बेसिक
डिफरेंस है बीएलडीसी सीलिंग फैन तथा सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर में। ये बीएलडीसी सीलिंग फैन का ये ओपन व्यू दिखाया गया, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रोटर में हमारा परमानेंट मैग्नेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये परमानेंट मैग्नेट इन रोटर, और ये है हमारा स्टेटर वाइंडिंग। ये स्टेटर वाइंडिंग हमारा कॉपर का स्टेटर वाइंडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर ये लगा रहता है हमारा बीएलडीसी ड्राइव है। आगे इसके बारे में बताएंगे बीएलडीसी ड्राइव में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जो बीएलडीसी सीलिंग फैन होता है ये आखिर रोटेट कैसे करता है। तो ये भी एक डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। डीसी मोटर हमारी कैसे चलती है आइए उसको समझते हैं, मतलब डीसी मोटर और इस ब्रशलेस डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है, ये ब्रशलेस आखिर होता कैसे है वो समझते हैं। ये देखिए एक बेसिक डायग्राम है जिसकी मदद से हम डीसी मोटर के वर्किंग को समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। देखिए यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है तथा उस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक, इसमें करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर बल कैसा लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखेंगे इसके ऊपर बल ऊपर की तरफ लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा हमारा जो एक क्वायल है, और ये क्वायल हमारा किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है कम्यूटेटर सेगमेंट से। हम आपको अभी बताएंगे कम्यूटेटर सेगमेंट्स क्या होते हैं तथा ये जो है ये कार्बन ब्रश है, ये जो दिखाया गया है ये कार्बन ब्रश है, और ये है डीसी पावर सोर्स। डीसी पावर सोर्स से जो डीसी सप्लाई है वो कार्बन ब्रश के थ्रू होते हुए कम्यूटेटर सेगमेंट्स में जाती है, और उससे हमारे ये वायर्स में करंट फ्लो होती है, और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो है आपस में ये इंसुलेटेड होते हैं, यहाँ पे दो कम्यूटेटर सेगमेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स का कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि जब भी ये हमारा क्वाइल ऐसा ये घूम के इधर आ जाए, मतलब इस पोजिशन पे जब आएगी, और ये पिंक कलर की क्वाइल दिख रही है, इस पोजिशन पे ब्लू कलर की क्वाइल आएगी तो उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसमें करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसा कि अभी देख रहे हैं इसके विपरीत है। यहाँ पे जैसे ही ये ब्लू कॉयल घूम के रोटेट होकर इधर आएगी तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज कैसे हो रहा है, ये कम्यूटेटर की मदद से हो रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल कम्यूटेटर इसको बोलते हैं। इसकी सहायता से हमारा करंट का डायरेक्शन ऑलवेज, जो भी कॉयल इस साइड आएगी उसमें करंट का डायरेक्शन ऑलवेज इधर रहेगा, तथा इस पोजीशन पे जो भी कॉइल आएगी उसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कम्यूटेटर क्या करता है, हमेशा कॉइल्स में करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसके कारण हमेशा एक टार्क एक ही दिशा में लगता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फिक्स है। तो उसी प्रकार अब आइए आपको समझाते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर में कैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। उसमें जो कम्यूटेशन होता है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन चेंज होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा होता है। आइए अब समझते हैं कि ब्रशलेस डीसी मोटर में कम्यूटेशन कैसे होता है, मतलब करंट का डायरेक्शन कॉइल्स में कैसे चेंज होता है। वहां पे तो आपने देखा कि जो हमारा कम्यूटेटर था मैकेनिकल कम्यूटेटर, उसकी मदद से हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज होता था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटर में जो हमारा कॉइल्स हैं इसमें करंट का डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा चेंज होता है। जो भी हमारी बीएलडीसी ड्राइव लगी रहती है वो सेंस करती है कि इसके सामने स्टेटर पोल के सामने किस टाइप का परमानेंट मैग्नेट है। जैसे साउथ पोल आया तो साउथ पोल खुद को क्रिएट कर लेता है, मतलब अपने अंदर बहने वाली करेंट को इस प्रकार स्थापित करता है कि वो साउथ पोल जनरेट करे अथवा नॉर्थ पोल जनरेट करे, वो सेंस कर लेता है। थोड़ा ध्यान से आप एक मिनट के लिए देखिए, इस पर फोकस कीजिए। जो भी पोल इसके सामने आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए रोटर का जो परमानेंट मैग्नेट आ रहा है, तो अपने आप इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ये कैसे होता है,
ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस लगा हुआ है BLDC ड्राइव, वो सेंस करता है कि इसके सामने किस टाइप का परमानेंट मैग्नेट है, किस टाइप का पोल है, साउथ पोल है अथवा नॉर्थ पोल है। जैसे ही साउथ पोल आता है तो करंट का डायरेक्शन इधर रहता है, अभी नॉर्थ पोल आया तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको सेंस करके करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज कर देती है, तो उसके सामने किस टाइप का परमानेंट मैग्नेट का पोल आया हुआ है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा स्टेटर वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से इस पे हमेशा एक बल लगता रहता है। जैसे यहाँ पे अभी नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल आया, तो नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अभी यहाँ पे साउथ पोल आया तो ये साउथ पोल बन गया। तो जो भी है आप ध्यान से देखेंगे सभी अपने पोल्स को चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो के ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपने पोल को चेंज कर रहे हैं और लगातार इस रोटर के ऊपर एक बल कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल आया तो ये नॉर्थ पोल बन गया और इसको रिपल्सन फोर्स देगा, फिर यहाँ नॉर्थ आया तो ये भी ये नॉर्थ बन जाएगा और इसको ये रिपल्सन फोर्स देगा, अभी इस पोल के सामने आया तो ये भी नॉर्थ पोल बन गया और इसको रिपल्सन फोर्स दे रहा है, ये साउथ पोल आया तो ये साउथ बन गया और इसको रिपल्सन फोर्स दे रहा है। इस तरह से ये रोटर हमारा घूमता रहता है। तो BLDC ड्राइव में ब्रशलेस कम्यूटेशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन ब्रश तथा कम्यूटेटर्स नहीं रहते हैं, इसमें कम्यूटेशन BLDC ड्राइव द्वारा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे कि कम्यूटेशन यहाँ पे मैकेनिकल कम्यूटेटर द्वारा हो रहा है, जो एक कॉइल में करंट का डायरेक्शन है ये मैकेनिकल कम्यूटेटर द्वारा चेंज हो रहा है, जबकि BLDC ड्राइव में ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा इस स्टेटर कॉइल का करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जा रहा है। BLDC ड्राइव में कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, मतलब उसका ब्लॉक डायग्राम आपको हम समझाते हैं यहाँ पे। BLDC ड्राइव में होता है SMPS, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर, इन्वर्टर तथा उसके बाद है मोटर। SMPS का काम क्या है, SMPS इज यूज फॉर कन्वर्ट AC सप्लाई इनटू DC सप्लाई। SMPS AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करती है। माइक्रो कंट्रोलर इज यूज फॉर रिसीविंग द इनपुट डेटा फ्रॉम रिमोट कंट्रोल एंड गिव आउटपुट डेटा अकॉर्डिंगली टू इन्वर्टर। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, ये रिमोट से डेटा को कलेक्ट करता है तथा उसके अनुसार ये इन्वर्टर को इनपुट प्रदान करता है अपना, जो भी रिमोट से कमांड आया उसके अनुसार ये इन्वर्टर को कमांड देगा और इन्वर्टर हमारा मोटर को चलाता है। इन्वर्टर आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर इन्वर्टर ड्राइव टू मोटर, इन्वर्टर फाइनली हमारे मोटर को सप्लाई देता है तो मोटर हमारी चलती है। आइए अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ BLDC सीलिंग फैन। BLDC सीलिंग फैन के कौन कौन से एडवांटेज हैं, BLDC सीलिंग फैन 50% एनर्जी सेविंग, मतलब जो हम रेगुलर सिंगल फेज एसी इंडक्शन का मोटर यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में यहाँ BLDC सीलिंग फैन लगाने से 50% एनर्जी सेविंग होती है। जैसा कि आप जानते हैं जो रेगुलर फैन है वो 70 से 80 वाट के बीच आते हैं तथा हमारा जो BLDC सीलिंग फैन है 30 से 35 वाट के बीच में ही आता है, तो यहाँ पे लगभग 50% तक हमारा पावर कंजप्शन कम हो जाता है BLDC सीलिंग फैन लगाने से। हाई पावर फैक्टर, BLDC सीलिंग फैन का पावर फैक्टर लगभग 0.98 से 99 के आसपास रहता है। वाइड वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वर्क इफिशियंटली ऑन इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर पे भी बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। ड्यू टू रिमोट कंट्रोल देयर इज नो नीड ऑफ रेगुलेटर्स, इसमें एक खास बात और है कि BLDC सीलिंग फैन में किसी प्रकार के रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। BLDC सीलिंग फैन का स्पीड कंट्रोल जो होता है वो रिमोट के जरिए किया जाता है। इस रिमोट में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे स्लीप मोड, टाइमर रहता है 1 आवर 2 आवर अथवा 3 आवर, फिर आप सेट कर देंगे तो फैन उतने टाइम चलेगा उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं BLDC सीलिंग फैन में। हाईएस्ट सर्विस वैल्यू मोर देन 6, इस सर्विस वैल्यू क्या होता है आइए थोड़ा समझते हैं। BLDC सीलिंग फैन का सर्विस वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 6 या इससे भी अधिक होता है। सर्विस वैल्यू क्या होता है, एयर डिलीवरी पर वाट, मतलब कितना एयर डिलीवर कर रहा है फैन और उसकी वाटेज रेटिंग क्या है। नॉर्मली BLDC सीलिंग फैन का जो एयर डिलीवरी रहता है 220
सीएमएम यानी क्यूबिक मीटर पर मिनट के ऊपर ये लगा रहता है, इसके आसपास रहता है। और इसकी वाटेज रेटिंग पकड़ लीजिए 35 वाट का है अगर फैन, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सर्विस वैल्यू, मतलब एयर डिलीवरी और वाटेज के रेशियो को सर्विस वैल्यू बोलते हैं। ये कैलकुलेट करना लगभग 6.2 के आसपास आएगा, मतलब पर वाट एयर डिलीवरी कितना कर रहा है। तो जो बीएलडीसी सीलिंग फैन का सर्विस वैल्यू है बहुत ज़्यादा रहता है। और भी बीएलडीसी सीलिंग फैन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो आने वाले दिनों में बीएलडीसी का ही मार्केट है। बीएलडीसी सीलिंग फैन लगाकर बिजली बिल में कितने रुपए तक बचत की जा सकती है, आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बीएलडीसी सीलिंग फैन लगा कर बिजली बिल में कितने रुपए तक की बचत की जा सकती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलर फैन का वाटेज रेटिंग 75 वाट लिया गया है कैलकुलेशन के लिए, तथा बीएलडीसी सीलिंग फैन का वाटेज रेटिंग 35 वाट लिया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है आवरली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, मतलब 1 घंटे में कितने यूनिट बिजली का खर्चा होगा यदि रेगुलर फैन चलेगा। तो रेगुलर फैन की वाटेज रेटिंग 75 वाट है और 1 घंटा उसको चलाएंगे तो 0.075 यूनिट कंजप्शन होगा। जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, तो उससे कैलकुलेट करेंगे किलो वाट आवर निकालेंगे तो ये हमारा इतना आएगा। तथा तो बीएलडीसी सीलिंग फैन का 1 घंटे के लिए यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.035 यूनिट्स आएगा। अब हम मान के चलते हैं कि जो फैन है वो डेली 16 घंटा चलता है, 16 घंटा पर डे यानी प्रतिदिन 16 घंटा हम एक फैन को चलाते हैं, तो रेगुलर फैन जो है वो हमारा 1.2 यूनिट कंजप्शन करेगा बिजली का, और जो हमारा बीएलडीसी सीलिंग फैन है वो 0.56 यूनिट्स ही कंजप्शन करेगा यानी डेली हम 16 घंटे चलाते हैं। तो अब चूंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो रेट है वो हर स्टेट में अलग अलग है, तो यहाँ पे हम एक मिनिमम एवरेज वैल्यू पकड़ लेते हैं 6.5 रुपीज पर यूनिट पकड़ के कैलकुलेशन करते हैं। तो पर डे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर डे एज्यूमिंग ₹6.5 पर यूनिट, तो 6.5 रुपीज पर यूनिट मैंने पकड़ा है यहाँ पे, और कैलकुलेट करेंगे तो पर डे लगभग 7.8 रुपीज का खर्चा आएगा यदि 75 वाट का सीलिंग फैन चला रहे हैं रेगुलर जो हम यूज करते हैं, और बीएलडीसी सीलिंग फैन यदि चलाएंगे तो डेली 3.7 रुपीज का ही खर्चा आएगा। और यदि पूरे 1 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,847 रुपये यदि रेगुलर जो फैन यूज करते हैं, और ये है बीएलडीसी सीलिंग फैन, यदि बीएलडीसी सीलिंग फैन लगाएंगे तो 1,350 रुपये आएगा। तो आइए देखते हैं कि हमको कितने रुपए का फायदा हुआ है बीएलडीसी सीलिंग फैन लगा दिए तो एक्चुअली कितने रुपए का फायदा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वार्षिक बचत, ये हमारा था रेगुलर फैन जिसको चलाने से 2,847 रुपये आया, तथा ये बीएलडीसी सीलिंग फैन लगाए तो 1,350 रुपये, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1,497 रुपये, लगभग 1,500 रुपये। मतलब एक फैन अगर हम साल भर चलाएंगे बीएलडीसी सीलिंग फैन तो बिजली बिल में 1,500 रुपये की बचत कर सकते हैं, और यदि एक घर में 4 पंखे हैं तब बचत कितना हो जाएगा, ये बचत तब लगभग 6,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। यानी एक घर में यदि 4 पंखे डेली 16 घंटे चलते हैं और बिजली का बिल की कीमत 6.5 रुपये पर यूनिट है, तो ये लगभग 6,000 रुपये की बचत ईयरली की जा सकती है, वार्षिक बचत 6,000 रुपये की। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा बचत है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब बिजली के बिल में बहुत बड़ा बचत है। चलिए दर्शकों के लिए एक प्रश्न है, एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 400 मिलियन सीलिंग फैन का उपयोग किया जाता है, यदि इन सभी सीलिंग फैन को बीएलडीसी फैन से रिप्लेस कर दिया जाए तो प्रतिदिन भारत में कितने करोड़ रुपए की बिजली बचत होगी। यदि हम मान लिया जाए कि प्रति यूनिट बिजली की औसत कीमत 6.5 रुपये है, तो ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पे जो रेगुलर फैन है उसकी वाटेज रेटिंग, ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए रेगुलर फैन की वाटेज रेटिंग 75 वाट लीजिए, तथा ये बीएलडीसी की वाटेज रेटिंग आप 35 वाट ले लीजिए, और कैलकुलेट कीजिए कि यदि हम पूरे इंडिया के फैन को रिप्लेस कर दें बीएलडीसी सीलिंग फैन से तो पर डे भारत में कितने करोड़ रुपए की बिजली की बचत होगी।
ये कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, तथा यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।